हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आशा करते सब लोग अच्छे हैं और मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी सोयाबीन और आलू दे के सोया बोड़ी। तो सोयाबीन को हम जो है पानी गर्म हो चुका है, इसी में हम दे देते हैं जितना मुझे ज़रूरत है उतना हम ले लिए अपने हिसाब से। देखिए, इसको गर्म पानी में हम दे दिए, उबाल आ चुका। अब इसको बंद कर देते हैं। बंद करके इसको अच्छे से जो है 1 मिनट इसमें रख देंगे इसी में, और फिर अच्छे से इसको धो लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दिए, उसमें हम 2 चम्मच तेल दे दिए, सरसों का तेल दिए। यहाँ पे हम कुछ आलू हैं, एकदम बेबी जो पटेटो हैं उसका हम उबाल लिए हैं, नमक दे के इसको उबाले हैं। और उसके बाद हम इसको 2 पार्ट में काट लिए हैं। अब जो है इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। जैसे नमक देके इसको हम उबाले हैं तो थोड़ा सा नमक और दे देंगे। थोड़ा हल्दी देके जो है आलू को हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आलू अच्छे से फ्राई कर लिए हैं। उसी कढ़ाई में थोड़ा सा हम और ऑयल दे दिए, कम था। थोड़ा सा जीरा दे दिए हैं, 2-3 तेज़पत्ता। यहाँ पे हम एक प्याज को बहुत ही महीन महीन काट लिए हैं, अब दे देंगे प्याज को। तो प्याज को थोड़ा सा ब्राउन कर लेते हैं। तो प्याज अच्छे से ब्राउन हो चुका। यहाँ पे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको भी 1 मिनट चला लेते हैं। तो 2 मिनट हो चुका। अब यहाँ पे हम 1 चम्मच जीरा को पीसे, मतलब पेस्ट है, और कुछ सूखे मसाला दे रहे हो। यहाँ 1 चम्मच दे रही हूँ कश्मीरी जो लाल मिर्च उसका पाउडर, और यहाँ पे तीखी मिर्ची 1 चम्मच, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, साथ में थोड़ा सा पानी दे देते हैं। और मसाला को जो है 2-3 मिनट हम अच्छे से भून लेते हैं। यहाँ पे 1 टमाटर का प्यूरी दे रही हूँ। साथ में स्वाद अनुसार नमक। फिर से हम मसाला के साथ टमाटर प्यूरी को अच्छे से भून लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हो चुका, देख सकते हो इसमें से ऑयल छोड़ने लगा। इसी टाइम पे हम थोड़ा दही ऐड करेंगे, और दही जो है खट्टी दही है, और अच्छे से हम इसको फेंट लिए हैं। तो ये जो चम्मच है इसका 3 चम्मच दे दिए हैं। फिर से हम मसाला के साथ दही को भी थोड़ा अच्छे से चला लेते हैं। अब आलू दे देते हैं और साथ में सोयाबीन भी दे देते हैं। आप चाहे तो सोयाबीन को हल्का सा फ्राई भी कर ले, कोई दिक्कत नहीं। और ऐसे भी हम जैसे बना रही हूँ ऐसे भी बनाएं, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 2-3 मिनट हम चला लेंगे आलू सोयाबीन के साथ मसाला के साथ, 2-3 मिनट चला लेते हैं। तो करीब 5 मिनट हम चला लिए हैं। अब हम पानी दे देते हैं। तो फ्रेंड्स, जितना ग्रेवी रखना हो उससे थोड़ा सा ज़्यादा दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी आलू हमारा जो है उबला हुआ है और ज़्यादा बनने में समय नहीं लगता है। और मसाला जब अच्छे से भुनना हो तो सब्जी और जल्दी बन जाती है। तो मेरा ग्रेवी इतना ही रहेगी, और थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा पानी और दे दिए। अब इसको 5 मिनट हम ढक के पकाते हैं। अगर नमक कम है तो नमक चेक कर लीजिए। जब तक सब्जी पक रहा है, हम इतना सा गरम मसाला है, देख सकते हैं, 2 इलायची है, 2 लौंग है, और थोड़ी दालचीनी। इसका हम पेस्ट बना लेंगे। आप चाहे तो पाउडर वाला गरम मसाला का यूज़ करें, कोई दिक्कत नहीं। तो फ्रेंड्स, 5-6 मिनट ढक के पकाते हुए हो चुका। हम मीडियम फ्लेम पे पकाए हैं। पीसे हुए गरम मसाला को दे दिए, थोड़ा चला देते हैं।
आप अगर हरी धनिया पसंद करते हैं तो थोड़ा हरी धनिया ऊपर से दे दीजिए। बस रेडी है, इसको रख देते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए कितना सुंदर बना हुआ है आलू सोयाबीन की सब्जी, सोया बोड़ी जो भी आप कहें। तो ये खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा चावल के साथ, तो आप ज़रूर एक बार ट्राई करें इस तरीका से। इससे पहले भी एक वीडियो मेरा अपलोडिंग हो चुका अपने चैनल पे, उससे इससे थोड़ा सा हटके है ये। और कैसा लगा मेरी रेसिपी, आप सबको अच्छा लगा तो लाइक शेयर करें। सब लोग स्वस्थ रहे, बाय।